सर हम तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फॉर्म फिल नहीं करेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट की तो सारी सीटें बिकी होती हैं। सर कोई ऐसी किताब बता दीजिए जिसको पढ़ने पे फाइनल सिलेक्शन हो जाए। सर कोई ऐसी किताब बताइए जिससे सिलेक्शन हो जाए। पहले क्या होता था, ये तो आजकल के सवाल हो गए स्टूडेंट्स के। पहले क्या होता था हम लोगों के टाइम, टीचर ने जो कुछ कह दिया या जो सीनियर से कुछ सीखने को मिला, आंख मूंद के करना शुरू कर देते थे। फिर ये नहीं सोचते थे पेपर कैसा होगा, सिस्टम कैसा होगा, क्या होगा, कुछ नहीं सोचते थे। क्योंकि 18-19 साल से तो हम सरकारी नौकरी की तैयारी में कूद गए थे। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में 2014 पंद्रह का टाइम है, तो हम देखा करते थे कि जो हमारे सीनियर्स हैं वो बबल को भरने की प्रैक्टिस किया करते थे। क्योंकि वो ज़माना था जब ऑफलाइन पेपर हुआ करता था, OMR बेसिस पे OMR शीट मिलती थी। तो उसमें देखता था कि स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिस करते थे, जो हमारे सीनियर्स थे, 15 सेकेंड टाइम लग रहा है उसको 11 सेकेंड करना, 11 सेकेंड टाइम लग रहा है बबल को फिल करने में 7 सेकेंड, उसको 5 सेकेंड करना, चार चार पाँच पाँच सेकेंड बचाने की कोशिश किया करते थे हर सवाल में। क्यों? क्योंकि अगर वो 100 सवाल को करेंगे और चार चार सेकेंड उन्होंने एक बबल में भी बचा लिया तो 400 सेकेंड बच गए। इससे उनका 6-7 मिनट बच गया। हो सकता है उन 6-7 मिनट में वो 7-8 सवाल कर लें। ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, लेकिन बच्चे ये किया करते थे। ठीक है, मुझे याद है आज भी हमारे टाइम पे जब हम लोग कोचिंग जाया करते थे टाइपिंग कर इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे एक लड़की थी हम लोग से 4-5 साल सीनियर, काफ़ी दिनों से तैयारी कर रही थी 4-5 साल से। तो उसके घर से काफ़ी प्रेशर था, उनके घर से शादी का, क्योंकि आपको पता है ना कुछ कास्ट ऐसी होती हैं हमारी हिंदू सोसाइटी में जहाँ पर शादियों का बहुत जल्दी प्रेशर होता है लड़कियों पर। ठीक है, 22-23-24-24 साल में समझ लीजिए शादी। आजकल बहुत किस्मत वाली वो लड़कियां होती हैं जिनको माँ बाप पढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो समझ लीजिए क्या हुआ कि जॉब नहीं लग रही थी उस लड़की की। फिर क्या हुआ, 2-3 साल बाद, 2017-18 की बात है, आप यकीन नहीं मानेंगे, उस लड़की का सर से सवाल रहता है कि सर बताइए मैं कौन सी नौकरी ज्वाइन करूं, क्योंकि मेरा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भी हो गया है, रेलवे में भी हो गया है, और राजस्थान हाईकोर्ट में भी हो गया है। मतलब 4-5 नौकरियां उनकी लग गई थी। वो सर से पूछ रहे थे सर मैं ज्वाइन कौन सी करूं। तो अल्टीमेटली इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट चूंकि होम टाउन है तो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट को ज्वाइन किया उन्होंने। ठीक है, 2017 वाली वैकेंसी थी जो 2018 में रिजल्ट आया था। ठीक है, तो समझ लीजिए 7-8 साल उनको हो गए थे तैयारी करते करते उस टाइम, लेकिन अल्टीमेटली उनकी 5 नौकरी लगी और सबका मुंह बंद हुआ। तो पहले ये हुआ करते थे, पहले बच्चे ऐसी तैयारी करते थे। आजकल के बच्चे नेगेटिविटी ज़्यादा सोच लेते हैं, पॉजिटिविटी बिल्कुल उनके दिमाग से गायब है। देखिए, सिस्टम में खामियां हमेशा रहेंगी और हमेशा रहती थी, हमारे टाइम भी रहती थी सिस्टम में खामियां। क्या 2017 SSC CGL सुप्रीम कोर्ट में केस गया, 2018 वीडियो फाइनल रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट ही कैंसिल हो गया। हमारे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ है कि डिपार्टमेंट वैकेंसी वापस कर लेता था, इनकम टैक्स वाली तो वैकेंसी ही वापस कर लेता था अपनी। पता चला वैकेंसी इतनी ज़्यादा दिख रही है, बाद में फाइनल रिजल्ट आते थे वैकेंसी वापस। ठीक है, कई लोग सोच रहे हैं कि मतलब आप लोगों को तो ये लगता है कि आप लोग के टाइम तो हर चीज़ पता चल जाती, कम से कम अच्छी बात ये है। ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम क्या होता था, पहले तो जियो की क्रांति नहीं आई थी, स्टडी मटेरियल इतनी आसानी से मिलते नहीं थे। आजकल तो स्टडी मटेरियल इतनी आसानी से मिल रहे हैं, आप लोग को हर चीज़ उपलब्ध है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को हमने देखा है, हमारे साथ वालों को, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है, और 4-5 साल से नौकरी नहीं लग रही थी, अंत में नौकरी लगी तो सीधे गजटेड ऑफिसर ही बने हुए लोग। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि आप फॉर्म फिल नहीं करोगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट में धांधली बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, सिस्टम को आप बदल नहीं सकते हो, चाहे वो अपर निजी सचिव UPPSC 2010 हो, चाहे अपर निजी सचिव UPPSC 2013 हो, UPPSC RO या 2016 हो, चाहे UP SSC VDO हो, हर जगह तो धांधली हुई है। कहाँ धांधली नहीं हुई है बताइए, हर जगह तो धांधली हुई है। तो इसका मतलब ये थोड़ो कि आप फॉर्म फिल करना बंद कर दोगे। देखिए, UPPSC RO की वैकेंसी आपको पता है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है कि आपका फॉर्म कब से शुरू होगा फिल होना, तो आप उसकी तैयारी करिए। GS ऑलमोस्ट सेम रहता है सब में, आपको हिंदी पे फोकस करना है। और आपको मैंने एक तरीका बता दिया, जिनको हिंदी की टाइपिंग ऑलरेडी आती है, आप 15 मिनट की हिंदी टाइपिंग करिए, 15 मिनट की इंग्लिश की टाइपिंग करिए, फोकस अभी आप उसी में करिए।
आप खुद को रोक नहीं पाओगे इलाहाबाद फिल करने से। अच्छा, अपने अपने आप मन से पूछिएगा, भारत की ऐसी कौन सी नौकरी है पीसीएस आईएएस के अलावा जो आपको इतना अच्छा ग्रेड पे और डायरेक्ट आपको गजटेड ऑफिसर वनडे एग्जाम में दो आपको दे रही है। आईएएस पीसीएस में तो आपको पता 8-8 9-9 एग्जाम आपको देने पड़ रहे हैं, ठीक है। यूपीपीएससी आर ओ आर में भी आपको पता है कितने एग्जाम आपको देने पड़ते हैं। सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट ऐसा है जिस सिर्फ आपका एक दिन में एग्जाम लेता है और आप गजटेड ऑफिसर बन रहे हो। 4800 ग्रेड पे भी आप चाहते हो और आप चाहते हो शॉर्टकट भी हमको मिले, एक पतली सी किताब बता दे 50 पेज की आपका सिलेक्शन हो जाए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचिए, हम लोग सच में बता रहे हैं अगर ऐसा सोचते हैं तो हम लोगों को सिलेक्शन ना होता कभी, ठीक है भाई। हम लोग आपको 4800 ग्रेड पे की नौकरी भी चाहिए, गजटेड ऑफिसर भी बनना है और आप कह रहे हो कि सर हमको कम पढ़ना पड़े। देखिए आप ये हाई स्कूल इंटर वाला छोड़ दीजिए पढ़ाई की, हम एक गाइड ले लिया करते थे, प्रीवियस टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स ले लिया करते थे, तो उसी से हमारे हाई स्कूल के पेपर आ जाया करते थे इंटर के बोर्ड के। वो ज़माना छोड़िए, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है। आपको पहले पूरा सिलेबस ख़त्म करना है और जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं PYQ और जो आपको टेस्ट सीरीज लगानी, वो सिर्फ इसलिए लगानी है कि आपने जो पढ़ा उसमें से आप कितना सही कर पा रहे हो, कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं, और जो गलत हो रहे हैं उसको अलग से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे होती है पढ़ाई। और जब सवाल सही होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने पूरी तैयारी कर ली, जैसे मान लीजिए आपने 50 सवाल लगाए, 50 में से आपके 40 सवाल सही थे, तो कॉन्फिडेंस मिलता है, वाह 40 सवाल सही, बहुत अच्छा लगता है। 10 सवाल गलत, उसको अलग से नोट करिए। ऐसे की जाती है पढ़ाई। तो बेवजह खुद को परेशान मत करिए, अपने माइंड को अगर आप इधर उधर लगाओगे तो परेशान हो जाएंगे। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, आपका सिलेक्शन होगा 100% होगा। मैं बता रहा हूँ ना कि 80-80 90-90 बच्चों का सिलेक्शन हुआ मेरे जानने वालों का। देखिए मौका मिलेगा तो मैं सबको एक साथ फ़ोटो खींच के आपको दिखाऊंगा, सबका सिलेक्शन हुआ। समझ लीजिए हमसे सीनियर सीनियर कुछ कुछ लोग तो ऐसे थे 9-9 10-10 साल तैयारी करते थे, लेकिन अंत में सिलेक्शन हो ही गया अंत में, ठीक है। कम से कम उन्होंने 10 साल अपनी पढ़ाई को दिया तो कम से कम सरकारी नौकरी का टैग लग गया, आपको भी लगेगा, आपके उसमें भी लगेगा, ईमानदारी से पढ़ाई करिए। मैं बता रहा हूँ ना, हमने सारी चीज़ें देखी, समझ लीजिए, ठीक है। और मैंने देखिए आपको पहले वीडियोस दिया है कि आपको कौन सी किताबें पढ़नी है, सब कुछ आपको दिया है। टाइपिंग वाला वीडियो मैं आपको अलग से दे दूंगा। और मैंने देखिए अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको फिर से टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है, आपको मैं रेगुलर स्टडी मटेरियल्स दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग उसका भी लाभ उठा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपकी इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो यूट्यूब में आप कमेंट करिए, ये जो कमेंट मतलब यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करिए और बाकी नीचे कमेंट आप करिए, अगले वीडियोज़ में मैं आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा और आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा वीडियो।